हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर से थॉमस ग्रे की बायोग्राफी और वर्क्स को। सो लेट्स स्टार्ट द बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ थॉमस ग्रे। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में जानते हैं कि ये कब पैदा हुए। तो थॉमस ग्रे का जो जन्म हुआ था वो 26 दिसंबर 1716 कॉर्नहिल लंदन, यानी थॉमस ग्रे का जन्म 26 दिसंबर 1716 में कॉर्नहिल लंदन में हुआ था। अब इनकी मृत्यु के बारे में जानते हैं। 30 जुलाई 1771 कैम्ब्रिज इंग्लैंड, इनकी मृत्यु 30 जुलाई 1771 को कैम्ब्रिज इंग्लैंड में हुई थी। थॉमस ग्रे के फादर का जो नाम था वो था फिलिप ग्रे। थॉमस ग्रे की मदर का नाम था डोरोथी एंट्रोबस। अब बात करते हैं इनके एजुकेशन की कि इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ही वॉज एजुकेटेड एट एटन कॉलेज, इन्होंने अपनी शिक्षा एटन कॉलेज से प्राप्त करी और 1734 में यानी 1734 में ही ज्वाइंड पीटर हाउस कैम्ब्रिज फॉर हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज के पीटर हाउस को इन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये तो हो गई इनकी एजुकेशन। अब बात करते हैं थॉमस ग्रे के कुछ की फैक्ट्स के बारे में। इन 1742 में थॉमस ग्रे बिगेन राइटिंग पोएम, थॉमस ग्रे ने राइटिंग पोएम्स लिखना शुरू की। लेट सी द नेक्स्ट पॉइंट। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वॉज एन ओड ऑन द स्प्रिंग, इनका जो पहला पब्लिश्ड वर्क था उसका नाम था एन ओड ऑन द स्प्रिंग, दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1742। ये जो वर्क था एन ओड ऑन द स्प्रिंग, ये 1742 में पब्लिश्ड हुआ था। थॉमस ग्रे इज मेनली नोन, थॉमस ग्रे मेनली नोन प्रमुख रूप से जाने जाते हैं फॉर हिज फेमस पोएम, अपनी एक फेमस पोएम के लिए, और उस फेमस पोएम का नाम था एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1751। ये जो पोएम है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751 में पब्लिश्ड हुई थी। एक और पॉइंट देखते हैं। थॉमस ग्रे वॉज नोन, थॉमस ग्रे को जाना जाता था एज ए ग्रेवयार्ड पोएट, एक ग्रेवयार्ड पोएट के रूप में इनको जाना जाता था। चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ। थॉमस ग्रे वॉज ए ट्रांजिशनल पोएट ऑफ 18th century, थॉमस ग्रे 18th century के यानी 18वीं शताब्दी के ट्रांजिशनल पोएट कहे जाते थे। ही पब्लिश्ड ओनली 13 poems इन हिज लाइफ टाइम, इन्होंने अपने लाइफ टाइम के समय केवल 13 poems को ही पब्लिश्ड किया था। ही वॉज गिवन द ऑफर ऑफ पोएट लॉरिएट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए, इनको पोएट लॉरिएट का ऑफर मिला इन 1757 में, बट ही डिक्लाइंड टू टेक दिस ऑफर, लेकिन इन्होंने इस ऑफर को यानी पोएट लॉरिएटशिप को लेने से मना कर दिया था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ही इज रिगार्डेड, इनको सम्मानित किया जाता है एज द फॉरमोस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ द मिड 18th century, यानी मिड 18th century के इंग्लिश पोएट के रूप में इनको सम्मानित किया जाता है। मोस्टली अधिकांशतया द थीम ऑफ ग्रेज पोएम, थॉमस ग्रे की
पोएम की जो थीम हुआ करती थी वो डेथ, मौत पर आधारित थी। होरेश वालपोल कौन है ये? फ्रेंड ऑफ थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे के एक दोस्त थे। सेड, इन्होंने कहा था, यानी होरेश वालपोल ने थॉमस ग्रे के ऊपर एक कमेंट दिया और वो कमेंट था, ही नेवर रोट एनीथिंग ईजली, यानी थॉमस ग्रे ने कभी भी कुछ ईजली तरीके से नहीं लिखा। तो ध्यान दीजिएगा, इस कमेंट को होरेश वालपोल ने थॉमस ग्रे के लिए दिया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। थॉमस ग्रे बिलोंग्स टू नियो क्लासिकल एज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थॉमस ग्रे बिलोंग करते थे नियो क्लासिकल एज को। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, पूछ लिया जाए कि इन विच यूनिवर्सिटी ही वॉज द प्रोफेसर, तो आंसर होगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। थॉमस ग्रे बिलोंग्स टू द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, थॉमस ग्रे ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री को बिलोंग किया करते थे। तो ये तो हो गए इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स थॉमस ग्रे के बारे में। अब आपके सिलेबस में थॉमस ग्रे की एक इम्पॉर्टेंट, एक फेमस पोयम है जिसका नाम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड है। आइए इस पोयम से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इट इज अ पोयम ऑफ 32 स्टैंजास, ये जो पोयम है एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसमें टोटल 32 स्टैंजास हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, थॉमस ग्रे रोट दिस पोयम, थॉमस ग्रे ने इस पोयम को लिखा, यानी किस पोयम को? एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड पोयम को लिखा था इन 1742, 1742 में लिखा था, कंप्लीटेड इन 1750, और ये पोयम लिखकर कंप्लीट हुई 1750 को, एंड पब्लिश्ड इन 1751, और ये जो पोयम थी पब्लिश्ड हुई 1751 में। तो दोस्तों एक ही लाइन में तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि इस पोयम को लिखा गया 1742 में, पोयम कंप्लीट हुई 1750 में, पोयम पब्लिश्ड हुई 1751 में। आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, कौन है ये रिचर्ड वेस्ट? फ्रेंड ऑफ थॉमस ग्रे, रिचर्ड वेस्ट थॉमस ग्रे के फ्रेंड थे। ही रोट, इन्होंने लिखा द पोयम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, मतलब थॉमस ग्रे ने इस पोयम को अपने फ्रेंड की मौत के बाद लिखना शुरू किया। ओरिजिनल टाइटल ऑफ एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये जो पोयम है थॉमस ग्रे की, उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? तो इस पोयम का ओरिजिनल टाइटल है स्टेंजास रोट इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ध्यान दीजिएगा स्टेंजास रोट इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एक क्वेश्चन है, समझते हैं। हु रोट द प्रीफेस ऑफ एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे की पोयम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड का प्रीफेस यानी प्रस्तावना किसने लिखी? तो इसका आंसर है होरेश वॉलपोल ने एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड का प्रीफेस लिखा। और होरेश वॉलपोल कौन थे? होरेश वॉलपोल थॉमस ग्रे के फ्रेंड थे। एक क्वेश्चन और है, व्हाट वॉज द नेम ऑफ कंट्री चर्चयार्ड, कंट्री चर्चयार्ड का नाम बताना है, वेयर थॉमस ग्रे रोट दिस पोयम, जहाँ पर ये पोयम लिखी गई, तो उस कंट्री चर्चयार्ड का नाम है स्टेज पोजेस। कभी कभी दोस्तों आपको ऑप्शन में स्टॉक पोजेस भी मिलेगा, STOKE, ध्यान दीजिएगा STOKE, स्टॉक पोजेस भी मिलेगा, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
देयर आर 128 लाइन्स इन दिस पोयम, यानी एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में कुल मिलाकर 128 लाइन्स हैं। अगर स्टेंजा पूछा जाए तो स्टेंजा आपके 32 हैं और लाइन्स आपकी 128 हैं, यानी हर एक स्टेंजा में, प्रत्येक स्टेंजा में चार चार लाइन्स हैं। थॉमस ग्रे यूजेस द इयाम्बिक पेंटामीटर इन दिस पोयम, इस पोयम में थॉमस ग्रे ने इयाम्बिक पेंटामीटर का यूज किया, ध्यान रखिएगा। राइमिंग स्कीम की बात करते हैं तो इस पोयम की राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। एक लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थॉमस हार्डी नॉवेल। थॉमस हार्डी का एक फेमस नॉवेल था जिसका नाम फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड था, हैज बीन टेकन फ्रॉम टाइटल, यानी थॉमस हार्डी ने फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का जो टाइटल था वो कहाँ से लिया था, तो थॉमस ग्रे की पोयम है एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इस पोयम से थॉमस हार्डी ने अपने नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का टाइटल लिया था। तो दोस्तों ये थी आपकी बायोग्राफी और वर्क्स ऑफ थॉमस ग्रे। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर सकें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहां रहिए प्रसन्न रहिए। और हां, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।